आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको मार्केट में एंट्री कैसे लेना है, ठीक है। तो एंट्री लेने से पहले सबसे पहले आपको अपना बायस जानना जरूरी होता है कि आज मार्केट में हमारा बायस क्या है, बुलिश है या बेयरिश है, ठीक है। तो अगर आपको बायस जानने में दिक्कत होता है तो आप हमारे यहाँ पर टेलीग्राम में, यहाँ पर मैं हर दिन यहाँ पर शेयर करता हूँ अपना डेली 4 आवर्स 15 मिनट का स्ट्रक्चर। तो ठीक है, चलिए हम आज का जो स्ट्रक्चर हमने शेयर किया था इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि एंट्री आपको कैसे लेना होता है। और जो एंट्री का टाइप है वो मेरा फेवरेट एंट्री टाइप है, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि एंट्री कैसे लेना होता है मार्केट में। और तो सबसे पहले आपको डेली 4 आवर्स 15 मिनट का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि हाई टाइम फ्रेम पर हमारा क्या चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं 4 आवर्स में हमने क्या शेयर किया था यहाँ पर, देखिए। और ये जो लंदन सेंसेक्स, पहले हम ये शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से 4 आवर्स का अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन से बोले थे कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा 15 मिनट में जाकर देखते हैं, तो 15 मिनट मैंने कैसे, 15 मिनट मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट अप जा करके, क्योंकि ये जो अभी आज है जो मंडे है, तो मंडे होता है तो इसमें ज़्यादा काफ़ी मैनिपुलेशन होता है मंडे के दिन, तो इसलिए मैंने यहाँ से बोला था कि यहाँ से मार्केट अनमिटिगेटेड डिमांड से यहाँ से डाउन साइड जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो डेली का टाइम फ्रेम है, डेली भी यहाँ से अगर देख सकते हैं तो डेली भी हमारा बेयरिश है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर, ये सारा रीज़न हम शेयर कर देते हैं कि क्या आपको देखना है मार्केट में आज, तो ठीक है। तो यहाँ से 4 आवर्स 15 मिनट और डेली सारा बेयरिश दिख रहा है, ठीक है। लेकिन 15 मिनट में आपको एक सेकेंड, हाँ ये 15 मिनट, तो यहाँ से हम बोले थे कि यहाँ से बेयरिश जाएगा। लेकिन जब आपको मार्केट का डायरेक्शन पता हो कि मार्केट आपको आज बेयरिश ट्रेड करना है, तो आपको बेयरिश सेटअप, अगर मार्केट में जैसे कि हमने ट्रेड यहाँ पर लिया था, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड नहीं किया, तो क्या हम इसका वेट करेंगे कि मार्केट अपना डाइव करे तभी हम ट्रेड लेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मार्केट के स्ट्रक्चर आपको यहाँ से हम आपको बता दे रहे हैं। पहले देखिए, मार्केट ने अपना यहाँ से स्ट्रक्चर इसको अपना टैप किया है, ठीक है। टैप करके देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर आपका यहाँ शिफ्ट हुआ, तो हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि ठीक है, मार्केट ज़्यादा अपसाइड जाने के मूड में नहीं है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़, अगर हायर टाइम फ्रेम के परस्पेक्टिव से देखिएगा, तो मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम के वीकली, डेली, 4 आवर्स सबको नीचे मिटिगेट कर चुका है, तो यहाँ से अपसाइड भी जाने का चांस है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको मार्केट के फ्लो के साथ बढ़ना है, हमको प्रिडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट यहाँ पर आएगा ही और यहाँ पर जाएगा ही, नहीं। जो मार्केट आपको दिखा रहा है डायरेक्शन, वहाँ से आपको ट्रेंड उठाना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अपसाइड पर गया, ठीक है। अगेन देखिए, मार्केट ने यहाँ पर डाउन साइड में क्लोज किया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्लोज किया मार्केट, और इस यहाँ से डिमांड जोन से यहाँ से रिएक्शन आपको दिया है मार्केट, ठीक है। और ये 4 आवर्स का भी जोन है, 4 आवर्स में भी आप जाकर देखिएगा, तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप डेली देखिएगा तो काफ़ी बेयरिश ही चले आ रहा है 4 आवर्स में भी, लेकिन यहाँ पर जो हमको मार्केट का ऑर्डर फ्लो और मार्केट का जो फ्लो बता रहा है, हमको उसके साथ हमको ट्रेड करना होता है, ठीक है। अब देखिए, आपको ट्रेंड हमने कैसे यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब देखिए, मार्केट ने यहाँ से अगेन यहाँ से अपसाइड गया, और देखिए ये जो लास्ट स्विंग था इसके ऊपर, देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट ने यहाँ पर गया लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, अगेन डाउन साइड में, देखिए बेयरिश कैंडल जो है डाउन साइड में क्लोज हुआ है। तो इससे हमको यहाँ पर इंडिकेशन मिल गया कि ठीक है, मार्केट ने अपने मेजर स्विंग्स को, इंटरनल जो है उसको स्वीप किया है और मार्केट डाउन साइड में क्लोज किया है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि यहाँ से मार्केट को हमको रिएक्शन डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये न्यू ईयर सीजन में, तो जैसे ही हम लोग का सबसे पहले आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है यहाँ पर। अगर आप कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं कीजिएगा, तो मार्केट अगेन आपका यहाँ से स्टॉप लॉस ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ से डाउन साइड में क्लोज हुआ, आपको 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए डाउन साइड में, जब भी आपका लिक्विडिटी स्विप का एंट्री लेना हो। तो एंट्री काफ़ी टाइप्स का होता है, ये मैं अपना फेवरेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये
आज का ही यहाँ पर देखिए 21 तारीख है और 21 तारीख का ही ट्रेड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, तो जैसे स्विप किया तो हम लोग अपने लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे एंट्री के लिए, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में हम एंट्री के लिए जाएंगे, देखिए लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे लेना है आपको। जब आपका जो कैंडल है 15 मिनट का क्लोज हुआ, तब आपको नीचे लोअर टाइम फ्रेम में आना है। उससे पहले अगर आप आइएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रक्चर दिखेगा और आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब से लोअर टाइम फ्रेम पर आइएगा तो लोअर टाइम फ्रेम में अपना स्विंग देखिए, आपका स्विंग कहाँ है और इंटरनल कहाँ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन साइड अगर अप साइड इसके ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। तो हम क्या चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमको मार्केट में एक हमारा स्विंग ब्रेक हो या फ्रैक्टल ब्रेक हो। फ्रैक्टल ब्रेक आपको जब होगा तो वो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं मिलता है, लेकिन जब आपका स्विंग ब्रेक होगा तो आपको यहाँ से अच्छा सेटअप्स मिलेगा। लेकिन देखिए मार्केट ने आया और स्विंग को ब्रेक नहीं किया, अगेन अप साइड की ओर। यहाँ पर देखिए इक्वल हाई लिक्विडिटी भी है, अगेन देखिए जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है दूसरी बार इसको स्विप किया, और देखिए दूसरे बार भी अगर स्विप किया है ना तो यहाँ पर मार्केट अप साइड में क्लोज नहीं हुआ, अगेन डाउन साइड में ही क्लोज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को डबल कन्फर्मेशन मिल गया। तो यहाँ से हम लोग अपना मार्क कर दिए कि ठीक है, इसका लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्विप हुआ है, अगेन मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में आकर देखिए यहाँ पर क्लोज किया। अभी अगर यहाँ से मार्केट अगर आपको डाउन साइड में यहाँ से क्लोज होता तो आप यहाँ से फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ले सकते थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ से अप साइड अगेन किया है, ठीक है। तो अभी भी हमारा एंट्री नहीं मिली। एंट्री कब बना? जब यहाँ पर हमारा कैंडल क्लोज हुआ डाउन साइड में। अब जैसे ही कैंडल डाउन साइड में क्लोज हुआ तो आप अपना यहाँ पर कंफर्म हो गए कि ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट भी हो गया, 15 मिनट का कैंडल भी क्लोज हो गया और वह 1 मिनट का स्ट्रक्चर भी डाउन साइड में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से आप अपने सप्लाई जोन से यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें इस बीच में अगर फेयर वैल्यू गैप होता तो और ज़्यादा मतलब इसको हाई प्रोबेबिलिटी कह सकते थे, लेकिन इससे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ भी आएगा, मार्केट में थोड़ा सा वर्क कीजिएगा। तो यहाँ से हमने एंट्री अपना प्लान किया था इस सप्लाई जोन से, और जो हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पर था बिल्कुल 2 पिप का स्टॉप लॉस था, और बाकी आप अपना 15 मिनट के हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड तय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से कितना बेस्ट डायरेक्शन दिया। तो आपको क्या चूज करना है, आपको ज़्यादा मार्केट में लालच नहीं करना है। जो आपको फिक्स आपका जो रूल है 1:2:3, जो भी आप फिक्स रूल के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, ताकि मार्केट में आपको किसी तरह का फोमो हेजिटेशन नहीं होगा। प्रॉफिट बुक कीजिए जहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी जहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है, आपको लिक्विडिटी दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर काफ़ी फ्रेश लिक्विडिटी आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ इसको लो तक टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक हमारा एंट्री टाइप था और एंट्री लेने का क्राइटेरिया था कि ये, और ये मेरा फेवरेट एंट्री मॉडल्स है, ठीक है। तो होप कोई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।